दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने सबसे अहम मिशन चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस कामयाबी ने न सिर्फ चंद्रयान 3 की सक्सेस के चांस बढ़ा दिए हैं, साथ ही ये भी साबित हो गया है कि अब भारत को अंतरिक्ष मिशन में इतिहास लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सफलता क्या है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि चंद्रयान 3 भारत को किन ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहां आपको बता दें कि सिर्फ चंद्रयान 3 ही अकेला ऐसा मिशन नहीं है जो इसरो की कामयाबी की कहानी कहने वाला है। भारत के अंतरिक्ष मिशन में कई ऐसे मिशनों की लाइन लगी हुई है जो इसरो के नाम स्पेस में स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रयान 3 की उस सफलता के बारे में जिसके जरिए इसरो अंतरिक्ष मिशन में एक इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि इसरो ने बहुत ही कम बजट में कई मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं, फिर चाहे बात मंगलयान की हो या चंद्रयान की। हमारे चंद्रयान ने ही सबसे पहले चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी के बारे में पता लगाया था। यही नहीं, मात्र 450 करोड़ की रकम में इसरो ने मंगलयान जैसे जटिल मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वहीं अब इसरो अपने ऐसे मिशन को अंजाम देने जा रहा है जिसके बाद उसकी कामयाबी कई गुना बढ़ जाएगी, और ये मिशन है चंद्रयान 3। ये भविष्य में चांद की सतह पर खोज के लिहाज से महत्वपूर्ण अभियान है। दोस्तों, चांद को लेकर इससे पहले भेजा गया चंद्रयान 2 मिशन लैंडिंग के दौरान उसका लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे इसरो काफी निराश भी हुआ था। लेकिन इसरो ने इस नाकामी से सबक सीखते हुए चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी थी। अब इस मिशन को लेकर इसरो ने एक अहम पड़ाव को पार कर लिया है। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर के एक प्रमुख परीक्षण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में कामयाबी हासिल कर ली है। ये परीक्षण 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच UR राव उपग्रह केंद्र में किया गया। इसे लेकर इसरो ने एक बयान जारी कर इसके बारे में जानकारी दी। इसरो ने बयान में इस टेस्ट को मून मिशन के लिए मील का पत्थर बताया है, और कहा जा रहा है कि अब भारत को चंद्रमा पर अपना इतिहास लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के 3 प्रमुख मॉड्यूल्स हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर। इन मॉड्यूल के बीच बेहतर संचार लिंक स्थापित होने पर ही मिशन की सफलता निर्भर करती है। अभी इसके लैंडर ने EMIC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पेबिलिटी के टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो इसरो के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में EMIC टेस्ट का बड़ा महत्व है। इसरो ने बताया, ये परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि अंतरिक्ष वातावरण में सैटेलाइट सबसिस्टम की एफिशिएंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल के साथ उनकी कैपेबिलिटी एश्योर्ड की जा सके। टेस्ट के दौरान क्या हुआ? दोस्तों, चंद्रयान 3 लैंडर EMIC टेस्ट में लॉन्चर कंपैटिबिलिटी, सभी RF प्रणालियों के एंटीना पोलराइजेशन, ऑर्बिटल और पावर डिसेंट मिशन फेज के लिए स्टैंड अलोन ऑटो कंपैटिबिलिटी परीक्षण और पोस्ट लैंडिंग मिशन चरण के लिए लैंडर और रोवर कंपैटिबिलिटी टेस्ट शामिल थे। इसरो ने कहा कि लैंडर के सिस्टम का प्रदर्शन संतोषजनक था। दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष में रिसर्च के मामले में धीरे धीरे दुनिया की स्पेस एजेंसियों को पीछे छोड़ता जा रहा है, जिसके कई उदाहरण भी इसरो ने दुनिया के सामने पेश किए हैं। वहीं अब इसरो ने चंद्रयान 3 लैंडर का सफल परीक्षण कर अपना लोहा मनवाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक अमेरिका, रूस और चीन को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी सैटेलाइट को किसी लैंडर से सुरक्षित उतारना। इसके बाद ये तय करना होता है कि वो अपना काम सही ढंग से करे। साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को अंजाम दिया था, लेकिन चंद्रमा पर लैंडिंग करते हुए विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और विक्रम लैंडर से सभी तरह के संपर्क कट गए, जिसके कारण ये मिशन पूरी तरह से सफल ना हो सका। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन के तहत ऑर्बिटर को सही से चंद्रमा के कक्ष में स्थापित किया गया था। वहीं इस मिशन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए अब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि इसरो का चंद्रयान 3 अभियान चंद्रयान 2 के आगे की कड़ी है। चंद्रयान 3 के तहत चंद्रमा की सतह पर इसरो एक बार फिर से विक्रम लैंडर की लैंडिंग करवाने वाली है। इस मिशन के तहत इसरो लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर भेजने वाला है। ये मिशन चंद्रयान 2 की तरह ही होगा, बस इस मिशन में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। चंद्रयान 3 के तहत केवल लैंडर और रोवर ही चांद पर भेजे जाने वाले हैं। चंद्रयान 3 में अलग से लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा हुआ होगा, जो इस मिशन को और भी सेफ बनाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत भेजे जाने वाले लैंडर में करीब 4 थ्रॉटल इंजन भी शामिल किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल लैंडर को सतह पर उतारने के लिए किया जाएगा। अब तक भारत ने किसी दूसरे ग्रह या उसके उपग्रह पर कोई रोवर लैंड नहीं करवाया है। चंद्रयान 3 हमारे इसी सपने को पूरा करेगा।
दोस्तों, चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद चंद्रयान 3 के साथ इसरो ने एक तरह से वापसी की है और ये चंद्रयान 2 से बिल्कुल अलग है। इसकी इंजीनियरिंग बिल्कुल नई है। ऐसा इसलिए ताकि पिछली बार जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उसे फिर से फेस नहीं किया जाए। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस बार रोवर ऐसे सॉफ्टवेयर से लैस होगा जो यात्रा की ऊंचाई मापने और खतरों की पहचान कर सकेगा। ये भविष्य में चांद की सतह पर खोज के लिहाज से महत्वपूर्ण अभियान है। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 3 की लॉन्च की तारीख के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन इसके 2023 की दूसरी या तीसरी तिमाही में अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावना है। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। इसे GSLV MK3 द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद यही की जा रही है कि इसरो के वैज्ञानिक अपनी सालों की इस कड़ी मेहनत में सफल हो जाएं, क्योंकि इस कामयाबी से उन्हें अपने दूसरे मिशन में भी हौसला मिलेगा। साल 2023 में इसरो के कई ऐसे महत्वपूर्ण मिशन लाइन में खड़े हैं जिनके बाद अंतरिक्ष रिसर्च में भारत का नाम तुरंत अक्षरों में लिखा जाएगा और वो नासा जैसी बड़ी एजेंसी के बराबर खड़ा हो जाएगा। इन मिशन में सबसे पहला नाम है गगनयान मिशन का। गगनयान मिशन, दोस्तों, इसरो स्पेस में इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो ने इसे मिशन गगनयान नाम दिया है। स्पेस एजेंसी का कहना है कि मिशन के क्रू मॉड्यूल के परीक्षण के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोब मास्टर के इस्तेमाल की योजना बनाई जा रही है। गगनयान मिशन के तहत मॉड्यूल को अंतरिक्ष यात्रियों को ऑर्बिट में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। साल 2018 में गगनयान मिशन का ऐलान किया गया था, जिसके तहत साल 2022 में इसको लॉन्च करना था, लेकिन कोरोना के चलते इसमें देरी हुई। अब इंसानों को स्पेस में भेजने का इसरो का मिशन साल 2024 के अंत या 2025 शुरुआत में लॉन्च होगा। इस मिशन के जरिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को बोर्ड पर ले जाना है। भारत का स्पेस स्टेशन, इसरो गगनयान मिशन के बाद भारत का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। 2030 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी की जाएगी। स्पेस स्टेशन बनाने से पहले जरूरी है कि अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों के आपस में जोड़ने की क्षमता हासिल की जाए। इसे कहते हैं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये बेहद जटिल प्रयोग होगा। इससे इसरो वैज्ञानिकों को ये पता चलेगा कि वो अपने स्पेस स्टेशन में ईंधन पहुंचा पाएंगे, वहीं अंतरिक्ष यात्रियों को और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचा पाएंगे या नहीं। पेडेक्स के तहत 2 स्पेसक्राफ्ट 2025 तक PSLV रॉकेट से छोड़े जाएंगे। इस प्रयोग में रोबोटिक आर्म एक्सपेरिमेंट भी शामिल होगा। आदित्य L-1 सन मिशन, सूर्य की स्थिति को बेहतर तरीके से स्टडी करने और स्टार के इवोल्यूशन के लिए अमेरिका और यूरोप की तरफ से पहले ही सूर्य मिशन पर काम किया जा चुका है। अब भारत भी ठीक इसी तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आदित्य L-1 मिशन को 2023 में लॉन्च करने की इसरो की तरफ से योजना बनाई जा रही है, जिसमें अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 L-1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। L-1 पॉइंट के करीब स्थित एक सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के ही देखा जा सकता है। इस मिशन में सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर, इससे निकलने वाले कर्ण प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे देशों की बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन भी इसी साल लॉन्च होने वाला है। इसे एजेंसी अप्रैल में लॉन्च करेगी। ये 2031 तक अपनी मंजिल पर पहुंचाएगा। ये मिशन बृहस्पति के चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये इसके चंद्रमाओं यूरोपा, गैनीमेडे और कैलिस्टो को स्टडी करेगा, उनकी जमी हुई सतहों से जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके साथ ही नासा को भी इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पूरा होने का इंतजार है। नासा अपने ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट के लौटने का इंतजार कर रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट 101955 बेनु नामक उल्कापिंड के सैंपल लेकर आने वाला है। नासा ने इसे 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया था। सितंबर 2023 में ये 60 ग्राम सैंपल लेकर लौटेगा। ओसिरिस रेक्स इस उल्कापिंड तक अक्टूबर 2020 में पहुंचा था। इस उल्कापिंड का आकार 492 मीटर था। दोस्तों, इसरो लगातार एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। अगर इसरो की ये सभी मिशन कामयाब हो जाते हैं तो अंतरिक्ष मिशन में वो अपनी ऐसी छाप छोड़ेगा कि नासा जैसी एजेंसियां भी एक दिन उसके पीछे खड़ी होंगी। वो सबसे ऊपर होगा। इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।